आपको बताया कि 10 नगर निगम फरीदाबाद के पार्षद वो आज पार्टी में शामिल हुए हैं, जो कि सारे के सारे बीजेपी में थे वो आज पार्टी में शामिल हुए हैं। राजीव गंगर जो लोकदल में थे, उनके पिताजी लोकदल में एमएलए थे, उनके वो एक्सपायर हो गए, अब ये बेटा राजीव गंगर संभाल रहे हैं, तो ये आज पार्टी में शामिल हुए हैं कांग्रेस पार्टी में अपनी पूरी टीम के साथ में। हमारे जेलदार मनजीत सिंह जो धारवाड़ा से हैं और जो रेवाड़ी से जेजेपी से चुनाव भी लड़े हैं और जेजेपी के सेक्रेटरी हैं प्रदेश में, तो वो आज शामिल में हुए हैं। तो उसी तरह से जो सारी जो टीम आपने देख रही, जिस तरह से हमने बताया, हमारे ये मनजीत बलहारा असद से जो जेजेपी के अध्यक्ष थे वो शामिल हुए हैं। राजपाल जी, ये सभी जो टीम जो है ना पूरी तरह से शामिल हुई है। जो सत्ता सैनिक दल है हरियाणा में जो काम कर रहा था, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिसकी स्थापना की थी सत्ता सैनिक दल ने, उसके जो पदाधिकारी हैं उन्होंने सभी ने आकर के हमारी पार्टी में आज ज्वाइन किया है, तो ये सभी उससे बहुत भारी पार्टी को बूस्टिंग मिलेगी और निश्चित तौर से। और ये जो निरंतर जो एक बदलाव चल रहा है, ये कांग्रेस के पक्ष में जो हवा चल रही है ये पूरी तरह से आंधी बन चुकी है और पूरा हरियाणा से बीजेपी का सोपड़ा साफ होना निश्चित है। 10 के 10 लोकसभा और जो 22 इलेक्शन है विधानसभा करनाल का, हम 11 के 11 सीटें जीतने जा रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।